जो कहानी है 10 अलग अलग लोगों की है, जिनका प्रोफेशन तो अलग है बट पैशन सिर्फ एक, फिल्म मेकिंग। सर आमचे डायरेक्टर है। सो मीट मिस्टर मयूर मालवानी जो कि हमारे फिल्म के डायरेक्टर है। जो बियर वाला बंदा है ना भाई, तो ये है हमारे पांडे जी जो कि हमारे पिक्चर के एक्टर है। भाई तेरी बियर जाने वाली है क्योंकि तेरे को फिर से वापस आना है 2000। क्या है मैं ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता। एक्चुअली गाइस मूवीफाई नाम से एक कंपनी है जिन्होंने रखा था कि आपको एक 50 हॉर्स में स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, डबिंग वगैरह के साथ एक आपको फिल्म बनाने की है, जिन्होंने पुणे के अंदर एक ग्रुप बनाया था जिसके अंदर मैं ज्वाइन हुआ था माय लक, और हम सब मिले 10-12 लोग और हम चले थे फिल्म बनाने के लिए, एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए। गाइस आपको तो पता है मैं ब्लॉग्स बनाता, हमें फिल्म मेकिंग पता है, बट शॉर्ट फिल्म एक्चुअल में कैसे होती है, लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग, डबिंग, एडिटिंग, शूटिंग, डायरेक्शन, कोरियोग्राफी, ऑल दैट। तो अभी गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, स्टेप नंबर 1 स्क्रिप्ट राइटिंग। तो फिर अभी बच चुके हैं 1 और अभी तक हमारी स्क्रिप्ट भी फाइनलाइज नहीं हुई। एंड फाइनली कैसे वैसे जैसे तैसे हमने हमारी स्क्रिप्ट फाइनलाइज कर ली थी। बस अगर क्लैरिटी के लिए ये भी डाल सकते हैं। बात कुछ ऐसी हुई, अभी बच चुके हैं 2 और लोकेशन और कुछ भी चीजें अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, ये सभी अभी भाई डिस्कस कर रहे हैं क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। नहीं लोकेशन भी मिल जाएगी बट देखते हैं यार, 50 घंटे में सब कुछ करना है, मे बी होप सो हो पाए, लेट्स सी। आज का दिवस पता नहीं यार कैसा चल रहा, क्या चल रहा, बहुत ही टेंशन वगैरह महसूस हो रहा है। ये देखो यार बारिश कंटिन्यूअसली चालू है, बराबर है कि नहीं प्रकाश भाई? बिल्कुल, पता नहीं शूट होगा भी सही है नहीं होगा। ये है कि पिक्चर बना रहे हैं वाटर क्राइसिस पे और पानी रुकने का नाम, पानी रुकने। आइए साहब बैठिए, बैठिए सर बैठिए, अंदर आइए। कुछ हुआ हमारे जो 2 भाई है ना, ये बिछड़ गए थे हमारे से और ये अभी हमें मिल गए। बात कुछ ऐसी हो गई है कि जो हमें हॉस्पिटल मिला था वो भी उन्होंने भी हमें ना बोल दिया, तो फिर आशीष भाई के पहचान में एक हॉस्पिटल मिला है। तो लेट्स सी अभी हम बावधन जा रहे हैं, तो फिर आगे की कहानी बावधन जाके ही होगी, देखते सीन करना चाहते हैं, अभी यहाँ पर हमारा ही सीन बन रहा है। फिर अभी के हालात बहुत ही गंभीर हो चुके हैं क्योंकि अभी बच चुके हैं 5:30 और अभी तक एक भी शूट हम कम्प्लीट नहीं कर पाए हैं। अभी हम कॉरिडोर वाला शूट यहाँ पर करेंगे। वहाँ पर हमारी घड़ी की शूटिंग चालू है और इसी सॉरी कसं आहे माहिती का, आता काय सांगू तुम्हाला, खूप प्रॉब्लेम चालू आहे, नंतर बोलतो मी तुमच्याशी। सगळी बन रहे, अभी बच चुके 6:30, अभी तक हमारा एक शूट मतलब एक सीन कंप्लीट हुआ जस्ट, और चैलेंजेस की तो कमी ही नहीं है भाई। अभी जो लाइट है ना, लाइट भी चली गई है और हमारे पास लाइट लगाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो फिर बोलो सैटरडे चला गया, संडे को हमें फिल्म सबमिट करने की है, माहौल डेंजर चालू है भाई, देखते हैं क्या क्या होता है। सो दिस इज अवर लास्ट सीन, बट इसके पहले के बहुत सारे सीन बाकी है। बाबा जी धन्यवाद।
ये हमारे हीरो और ये हमारे डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफर सभी सभी ये मेन 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 आ जाओ भाई, आप भी धन्यवाद कर दो दोस्तों। फिर अभी बज चुके हैं 9:30 और हमारा यहाँ का हॉस्पिटल का सीन जस्ट लगभग खत्म हो चुका है। अभी ये भाई बहुत ही परेशान हो गया, अभी जाएंगे अपने अपने घर। मयूर सर को तो बात ही अलग है यार, बहुत डेंजर परिश्रम किया है मयूर सर ने, सभी ने परिश्रम किया है, कितने सारे चैलेंज हमें फेस करने पड़े। अभी ये लाइट चालू है, ये लाइट को भी बंद करना पड़ता है, ये चालू करना पड़ता है, ये इधर बंद चालू करते करते क्या बताएं यार, बहुत कल बताता मैं सारी बातें। ऑलराइट, तो ये जो कहानी थी ये तो बस 24 आवर्स की थी, अभी 26 आवर्स की कहानी मतलब संडे की कहानी बाकी है। गाइस आपने देखा होगा कि जस्ट हम 1 से 2 सीन ही शूट कर पाए, बाकी के बहुत ज्यादा सीन हमारे अभी भी बाकी है, तो कल के ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा क्या क्या हुआ आगे। सो वी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा होगा तो फिर वही यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऑलराइट बस, तो फिर अभी बज चुके हैं 3:00 और अभी तक हमारा शूट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है।